स्टूडेंट्स, टॉपिक हम पढ़ रहे हैं डिसीजन मेकिंग अंडर रिस्क, जिसमें आज हम समझेंगे एक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी लॉस मेथड। इसके लिए एक एग्जांपल से समझते हैं क्या होता है ये मेथड, कैसे हम इसको अप्लाई करते हैं। तो एक एग्जांपल आपके सामने है, देखिए स्टेट ऑफ नेचर, इस कॉलम में पी क्यू आर, इधर एक्स, एक्स में ए वी सी, और ये पी, ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये प्रोबेबिलिटी है 0.5, 0.1, 0.4 प्रोबेबिलिटीज दी हुई है। एक्स में ये प्रॉफिट टेबल है, तो अल्टरनेटिव ए के लिए हमें ये प्रॉफिट्स वैल्यूज दी हुई है -35, 250, 550, वी के लिए 120, -350, 650, सी के लिए -100, 200, 700। तो एक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी लॉस मेथड में हमें लॉस मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना होगा। कैसे करते हैं लॉस मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट, इसके लिए समझते हैं। देखिए स्टेट ऑफ नेचर कॉलम वाई है, पी क्यू आर, ये प्रोबेबिलिटी वाला कॉलम हमने अलग बना लिया 0.5, 0.1, 0.4। देखिए अल्टरनेटिव्स में हमें क्या करना है कि जो यहाँ पर लॉस, सॉरी प्रॉफिट दी हुई, इसको लॉस में बदलना है। तो कैसे बदलते हैं, हम देखते हैं रो पी के लिए जो वैल्यूज है -350, 120 माइनस, इनमें मैक्सिमम वैल्यू देखते हैं और मैक्सिमम वैल्यू है 120। तो 120 में से हमें तीनों को माइनस करना है, और माइनस करने के बाद जो है लॉस आ जाएगा। 120 में से हम क्या करेंगे, माइनस का 35। देखिए फर्स्ट कॉलम में हमें 120 माइनस -35, माइनस माइनस हुआ प्लस 155। अगर हम इसको सेलेक्ट करते हैं तो क्या होगा, 155 का लॉस होगा। अगर हम इसको सेलेक्ट करते हैं तो 120 माइनस 120 यानी जीरो, कोई लॉस नहीं होगा। ठीक है, सी के लिए देखें तो यहाँ माइनस का 100 है, 120 माइनस -100, माइनस माइनस प्लस, दोनों प्लस होकर आ गया 220, तो यहाँ लॉस होगा 220 का। ठीक ऐसे ही हम सेकंड रो यानी क्यू के लिए हम देखें तो 250 मैक्सिमम नंबर, तो मैक्सिमम नंबर 250 में से 250 माइनस करें, जीरो, कोई लॉस नहीं। 250 माइनस माइनस का 350, माइनस माइनस प्लस, दोनों प्लस हो गया 600। देखिए 250 माइनस 200, यहाँ लॉस हुआ 50। यहाँ आर के लिए हम देखते हैं मैक्सिमम है 700, तो 700 में से 550 माइनस किया, यह आया 150। ठीक है, सही 700 माइनस 650 50, 700 माइनस 700 जीरो, यानी कोई लॉस नहीं हुआ। तो ये जो टर्म आई ये लॉस में कन्वर्ट होंगे। ओके, अब हमें क्या निकालना है, एक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी लॉस फॉर ए के लिए। तो वन बाई वन हम ए बी और सी तीनों के लिए अलग अलग निकालेंगे। हम पहले ए के लिए समझते हैं। देखिए प्रोबेबिलिटी की मल्टीप्लाई हम इस लॉस इन टर्म से करेंगे। हम ए के लिए निकालना है तो ए के लिए जो हमारी टेबल है 150, 155, 0, 150, 0.5 की मल्टीप्लाई 155 से, 0.1 की 0 से मल्टीप्लाई, 0.4 की मल्टीप्लाई 150 से, तीनों जो मल्टीप्लाई आएंगी तीनों को हम प्लस कर देंगे। देखिए यहाँ हमने शो किया है 0.5 मल्टीप्लाई 155 प्लस 0.10 प्लस 0.4 150। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आप कर सकते हैं। सिंप्लीफाई करने के बाद जो वैल्यू आई वो ये 137.5। अब हम एक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी लॉस वी के लिए निकालते हैं, शॉर्ट में लिखते हैं ई ओ एल, एक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी लॉस फॉर वी के लिए। तो हम बी के लिए टेबल देखते हैं, इसके लिए टर्म 0, 650,
तो मल्टीप्लाई देखिए 0.5 की 0 से 0.50 प्लस 0.1 की 600, ये लिखा 0.4 की मल्टीप्लाई 50 से ये लिखा। फिर हमने इसको क्या किया, सिंप्लीफाई किया और इसकी जो वैल्यू आई वो 80। ओके ठीक, ऐसे ही हम आर यानी तीसरा देखते हैं हम EOL फॉर सी, एक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी लॉस फॉर सी। सी के लिए हम देखते हैं ये टर्म्स हैं 220, 50, 0, फिर वही 0.5 की मल्टीप्लाई 220, 0.5, 220 प्लस 0.1 और देखिए 50 मल्टीप्लाई हो गई प्लस 0.4 मल्टीप्लाई हुई 0 से, 0.4 मल्टीप्लाई 0। क्या करेंगे हम इसको फिर सिंप्लीफाई करेंगे और क्या आया 115। ठीक है, तीनों एक्सपेक्टेड लॉस अल्टरनेटिव ए वी और सी के लिए हमने फाइंड कर लिए। अब हमें ये देखना है कि तीनों अल्टरनेटिव में से कौन सा हम सेलेक्ट करें। तो चूंकि हमारा जो मेथड है एक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी लॉस मेथड, और इसमें हमने लॉस मैट्रिक्स के द्वारा हमने ये निकाली है वैल्यू, तो हमें लॉस ऐसा डिसीजन लेना है जिसमें लॉस मिनिमम हो। ओके तो मिनिमम हम देख रहे हैं लॉस 80, तो 80 के सामने ये किसका है वी, तो यहाँ हम सेलेक्ट करेंगे कौन सा अल्टरनेटिव वी। चूंकि लॉस मैट्रिक्स से हमने कंस्ट्रक्ट किया है, यानी लॉस मैट्रिक्स बनाने के बाद हमने तीनों वैल्यू निकाली है, तो लॉस का मतलब हम ऐसा डिसीजन लें जिसमें लॉस मिनिमम हो। यही अगर टेबल प्रॉफिट टेबल के लिए हम क्वेश्चन करते हैं वह हम कौन सा लेते हैं मैक्सिमम, तो ये मैक्सिमम, चूंकि ये क्वेश्चन लॉस मैट्रिक्स से हमने किया है इसलिए इसकी जो वैल्यू है वो 80 हम सेलेक्ट करेंगे। तो क्या हुआ वी अल्टरनेटिव हमने सेलेक्ट किया। देखिए वेस्ट हमने ये लिख दिया, वेस्ट अल्टरनेटिव वी इज सेलेक्ट 80, तो इसका जो आंसर हुआ वो वी हुआ। ओके तो आपका जो सेकंड मेथड था डिसीजन मेकिंग अंडर रिस्क में हमने दो मेथड थे, दूसरा मेथड एक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी लॉस। ओके तो ये इससे आपने एग्जांपल से समझा। थैंक यू।